नोवे होम मूवी बहुत अच्छे से ये चीज को डिस्क्राइब करती है कि कैसे नॉर्मन ऑसबोर्न विलन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक दिमागी बीमारी की वजह से उसके अंदर का जो ग्रीन गॉब्लिन है वो उसे हर दिन विलन बनने में मजबूर करता है। तो मार्वल कॉमिक्स के एक स्टोरी लाइन के दौरान सीन ईटर नाम का एक स्पीशीज जैसे ही नॉर्मन ऑसबोर्न के सारे पाप को खा जाता है तो उसका दिमाग पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ग्रीन गॉब्लिन के सूट को वापस से रीयूनिवेट करके उसे गोल्ड गॉब्लिन का सूट बना देता है जो कि सोने के कलर का होता है। साथ ही वो अपने निजी जिंदगी में भी काफी सारे चेंजेस करता है, जैसे कि पीटर पार्कर को अपने ऑसबोर्न कॉर्प्स में एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया जॉब देता है और साथ ही उसे एक नया सूट भी बना के देता है। लेकिन नॉर्मन ऑसबोर्न के साथ भी वही होता है जो अक्सर मेंटल पेशेंट्स के साथ होता है, जिसे हम पैनिक अटैक कहते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान पेशेंट के दिमाग में बार बार उसी चीज का दोहराना जो उसने अपने पहले जिंदगी में कुछ भी गलत किया हो, जैसे कि ग्वेन स्टेसी की मौत जो नॉर्मन ऑसबोर्न के आंखों के सामने बार बार आती है, ताकि वो गोल्ड गॉब्लिन का सूट को उतार कर वापस से ग्रीन गॉब्लिन का सूट को पहनकर फिर से पहरे के तरह विलेन बन जाए।